हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड़ की, जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। दोस्तों गुड़ कितना फ़ायदेमंद है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बच्चा आज ही पैदा हुआ है उसे भी आप गुड़ खिला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ होता क्या है और कैसे बनाया जाता है और गुड़ की असली पहचान कैसे की जाती है और गुड़ के गुड़कारी फ़ायदों की और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर है। गुड़ गन्ने के जूस से बनता है उसको पका करके। बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और कॉपर पाया जाता है। दोस्तों गुड़ शुगर का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। बनती तो शुगर भी गन्ने से ही है, लेकिन इन दोनों का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होता है। शुगर के प्रोसेस में उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसीलिए शुगर को एम्प्टी कार्ब्स कहते हैं। और इसीलिए शुगर हमारे लिए जहर है और गुड़ अमृत। शुगर नेचर में एसिडिक होती है और गुड़ अल्कलाइन होता है। हमारी बॉडी जितना अल्कलाइन होगी हमारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता है एसिडिक और अल्कलाइन क्या होता है तो ऊपर आई बटन में चेक कर लीजिए। दोस्तों असली गुड़ की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि गुड़ जितना डार्क होगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और गुड़ जितना गोरा होगा वह उतना ही जहरीला होता है, क्योंकि इनको गोरा और चमकदार बनाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं। दोस्तों गुड़ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, आपके लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी बहुत हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके लंग, स्टोमक और इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है यानी कि खून की कमी हो गई है तो गुड़ और चना का डेली सेवन करिए। यह एक नेचुरल स्वीटनर है, मिनरल से भरपूर है और यह एक ब्लड प्यूरीफायर है, आपके ब्लड को साफ करता है। और अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कोई भी दिक्कत है तो यह इसको भी इम्प्रूव करता है। गुड़ मर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर वह इसको आंवला के साथ मिलाकर खाएँ तो। गुड़ हमारी आइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके डेली सेवन से मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और यह हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गुड़ का सेवन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकती हैं क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम होता है। गुड़ वुमेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर उनके पीरियड में क्रैम्प आ रहे हैं तो इसको खाने से वह प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। गुड़ हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में अगर आपको कफ हो गया है, जुखाम, खांसी, बलगम जम गया है गले में तो इसका सेवन कीजिए, यह उसको भी ठीक कर देगा। दोस्तों वैसे तो गुड़ अमृत है, लेकिन हर चीज़ को खाने का एक तरीका और समय होता है, वरना यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 15 से 20 ग्राम ही गुड़ खाना चाहिए, लेकिन आपको कुछ और मीठा नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो गुड़ की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो भी गुड़ का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हमेशा गुड़ को खाना खाने के बाद ही खाएँ, यह आपको फ़ायदा देगा और डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। कभी भी गुड़ को ज़्यादा खट्टी और ज़्यादा तीखी चीज़ों के साथ मिलाकर ना खाएं। गुड़ नेचर में वार्म होता है यानी कि गुड़ तासीर में गर्म होता है, तो सर्दियों में तो यह पच जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को गर्मियों में इसको पचाने में दिक्कत हो सकती है, तो गर्मियों में इसको कम मात्रा में लें। अगर नहीं पच रहा है तो 2-3 महीने के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं जिन महीनों में ज़्यादा गर्मी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।